भारी बारिश का मंजर, 4 से 5 फीट की मिट्टी में दबे भगवान, 6 दिन से मलबे में दबे हैं भगवान, आपदा प्रबंधन को नहीं सुध। जयपुर में भारी बारिश का कहर वहां स्थित गलता तीर्थ पर पड़ा है। यहां पर पिछले 6 दिन से भगवान 4 से 5 फीट की मिट्टी में दबे हुए हैं। पहले ये तस्वीरें देख लीजिए। बता दें कि गलता तीर्थ स्थित पापड़ा हनुमान मंदिर में श्री राम परिवार की मूर्तियां 14 अगस्त को हुई बारिश के बाद से ही मिट्टी में दबी हुई है। ये तीर्थ स्थल रामानुज संप्रदाय की प्रमुख पीठ में से एक है। यहां देश विदेश के पर्यटक घूमने आते हैं। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरे हुए गलता तीर्थ स्थल को भी भारी बारिश से नुकसान हुआ है। यहां भगवान श्री राम के परिवार, हनुमान जी तथा शिव परिवार की प्राचीन मूर्तियां भी 6 दिन बाद करीब 5 से 6 फीट मिट्टी के मलबे में दबी हुई है। भगवान के सिर्फ आंखें नजर आ रही है। गलता पीठ के प्रमुख अवधेशाचार्य महाराज का कहना है कि बारिश का 19 जुलाई 1981 के बाद पहली बार ऐसा खौफनाक मंजर देखने को मिला है। काफी नुकसान हुआ है। 14 अगस्त को तेज बारिश की वजह से बांध के ओवरफ्लो होने से मिट्टी के टीलों में कटाव हुआ। बारिश के जल का तेज प्रवाह होने से कई टन मिट्टी बहकर गलता तीर्थ तक पहुंच गई। तो वहीं पापड़ा हनुमान मंदिर के पुजारी लोकेश शर्मा ने बताया कि 14 अगस्त को बारिश के दौरान मंजर बेहद खौफनाक था। पापड़ा हनुमान मंदिर का मुख्य द्वार तक नजर नहीं आ रहा। वहां हनुमान जी की करीब 5 फीट ऊंची मूर्ति और श्री राम भगवान परिवार की मूर्तियां मलबे से ढक गई। जानकारी के लिए बता दें कि गलता तीर्थ ऋषि गालव की तपोस्थली है। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।